प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस के टॉपिक में रिलेशन के बारे में। एक्सरसाइज 2.2 से पहले के जो एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी की बुक में, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। यहां पर एग्जांपल नंबर 8 की बात कर रहे हैं। एग्जांपल 8 में एक रिलेशन डिफाइन किया गया है पी सेट से क्यू सेट के बीच में, और उसका एक डायग्राम दिया गया है। फिगर 2.6 आप अपनी बुक में देखेंगे तो कुछ इस प्रकार की फिगर बनी हुई है। इस फिगर को देख के आपने इस रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखना है, रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है, और इसका डोमेन और रेंज दो चीजें निकालनी है आपने। तो देखिए, डायग्राम को देखने से हमें ये तो क्लियर हो ही रहा है कि ये रिलेशन पी से क्यू का है। इस रिलेशन को नाम दे देते हैं हम आर। लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम पी टू क्यू डिफाइंड एज। अब इसको हमने रोस्टर फॉर्म में पहले ले लिया। रोस्टर फॉर्म में लिखने का सीधा सा तरीका है कि P का जो एलिमेंट Q के किसी एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, उनकी पेयरिंग करके, उनके पेयर्स बना के आप इसके अंदर लिख दीजिए। वो रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में आपका सेट आ जाएगा, यह रिलेशन आ जाएगा। तो यहां पर देखिए, 9 का रिलेशन 3 से दिखा रखा है और 9 का रिलेशन -3 से भी दिखा रखा है। तो मैंने ये दोनों एलिमेंट्स यहाँ पे 9 3 और 9 -3 लिख दिए। इसी प्रकार से 4 2 से जुड़ा हुआ है, 4 -2 से भी जुड़ा हुआ है। तो 4 2 और 4 -2 25 5 और 25 -5, ये पेयर्स मैंने यहां पर लिख दिए। 6 पेयर्स आप यहां देखेंगे तो इस एरो डायग्राम में बने हुए हैं। ये 6 पेयर्स मैंने लिख दिए। रोस्टर फॉर्म वाला काम हमारा हो गया। अब आप देखिए, इसी चीज को हम सेट बिल्डर फॉर्म में या रूल फॉर्म में लिखना चाहें तो हमें समझना होगा कि ये जो पेयर्स है इनमें फर्स्ट एलिमेंट का सेकेंड एलिमेंट के साथ क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। तो वो इस टेबल से बहुत क्लियर हो रहा है। देखिए, x की वैल्यूज जो फर्स्ट एलिमेंट है वो होंगे। x की वैल्यू 9 है, 9 है, 4 है और 25 है। x की वैल्यूज 9 4 25। अकॉर्डिंगली जो y की वैल्यूज है, देखो x की वैल्यू 9 है तो y की वैल्यू 3 है, 9 3 हो गया। x की वैल्यू 9 है तो y की वैल्यू -3 भी है, तो मीन्स 3 और -3, ये दो वैल्यूज है किसके अकॉर्डिंग, जब x की वैल्यू 9 होगी। इसी प्रकार से x की वैल्यू 4 लेंगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज 2 और -2 है, वो यहां लिख दी मैंने। 25 अगर हम x की वैल्यू लेते हैं तो y की वैल्यू 5 और -5 है, वो मैंने यहां लिख दी। अब इस टेबल को देख के आपको कहीं ना कहीं क्लियर हो रहा होगा कि x का y के साथ क्या रिलेशन है। देखिए, 9 का स्क्वेयर रूट करेंगे तो 3 भी आ सकता है, -3 भी। 4 का स्क्वेयर रूट 2 और -2 दोनों हो सकते हैं। 25 का स्क्वेयर रूट 5 और -5 दोनों हो सकते हैं। मीन्स x का स्क्वेयर रूट y है यहां पर। अंडर रूट x इज इक्वल टू y, या हम इसको घुमा के लिखना चाहें तो y इक्वल टू अंडर रूट x। तो यहां से आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो r इज द सेट ऑफ ऑल x y, वेयर y इज इक्वल टू अंडर रूट x। अगर आप और डिफाइन करना चाहें तो आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट p एंड y बिलोंग्स टू द सेकेंड सेट दैट इज q। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इसको डिफाइन कर दिया। अब इसने आपसे दो चीजें पूछी गई हैं, डोमेन और रेंज। तो डोमेन के बारे में मैंने आपको बताया था कि इस पहले सेट के वो सभी एलिमेंट्स डोमेन में आएंगे जो दूसरे सेट के किसी ना किसी एलिमेंट से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। तो इसके सभी एलिमेंट्स दूसरे सेट से जुड़े हुए हैं, तो यहां पर इसका जो डोमेन है, डोमेन में तीनों एलिमेंट्स 9 4 25 आ जाएंगे। दैट मीन्स हम इसको पी भी लिख सकते हैं। इन शॉर्ट, अगर पूरा खोल के लिखना चाहें तो 9 4 25 लिख के और इसका सेट बना के लिख दीजिए, या फिर आप खाली पी लिखना चाहें तो इससे भी काम चल जाएगा, क्योंकि पूरा सेट ही तो डोमेन है। जब हम बात करते हैं रेंज की, तो रेंज में इस सेट के वो सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे जो किसी ना किसी से जुड़े हुए हैं। तो वो एलिमेंट्स हैं 5 3 2 -2 -3 और -5। ध्यान दीजिए, यहां पर ये 1 जो है, ये एलिमेंट पी सेट के किसी एलिमेंट की इमेज नहीं है, किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए हम इस 1 को रेंज में नहीं रखेंगे। बात करते हैं तीसरी चीज, कोडोमेन, जो इस क्वेश्चन में पूछी तो नहीं है लेकिन मैं आपको बताऊंगा। कोडोमेन हमने अभी पिछले लेक्चर में डिस्कस किया कि कोडोमेन क्या होता है। जो सेकेंड सेट है वो पूरा का पूरा ही कोडोमेन होता है। एक्चुअली ये जो रेंज होती है ये कोडोमेन का ही सबसेट होती है, क्योंकि कोडोमेन में तो सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे सेकेंड सेट के, और रेंज में केवल कुछ एक एलिमेंट्स आएंगे जिनकी कोई ना कोई प्री इमेज पी सेट में या पहले वाले सेट में पड़ी होगी। तो ये डोमेन, रेंज और कोडोमेन का कंसेप्ट यहां पर मैंने आपको बताया है।